ओके सो हमारा आज फर्स्ट क्लास है क्वेश्चन 1 to 64 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का. सो पहला क्वेश्चन, भोर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन. हमें पता है हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे कमिटीज़ हैं, इस मतलब चैप्टर में है, बहुत सारे कमिटीज़ हैं अलग अलग, भोर, मुदलियर, जंगल वाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बहुत सारे कमेटी हैं. सो द क्वेश्चन फॉर दिस दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, भोर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए 1943, बी 1946, सी 1942, डी 1941. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 1943. ठीक है. सो 1946 में हमारा क्या हुआ था, वॉट हैपन्ड इन 1946? 1946 में हमारी भोर कमेटी लीगलाइज हुई थी और इसके जो हमारे चेयरमैन हैं वो कौन है, सर जोसेफ भोर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एच ई बी स्टैंड्स फॉर ए सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, बी सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सी सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो एंड डी सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो. सो सी एच ई बी का आंसर होगा हमारा ए, दैट इज सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो. और ये सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो हमारा कहाँ से आया है, ये हमारा जो हमारा भोर कमेटी था उसका ही एक रिकमेंडेशन था, उसकी वजह से ये हमारी दिस कमेटी हैज बीन देयर इन आर इंडिया. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज. सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, एक होती है हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग और एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव फीलिंग. ठीक है. तो सब्जेक्टिव फीलिंग कौन सी होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग वो होती है जो हमारी खुद की, हम खुद फील कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मुझे बुखार आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, तो ये मेरा खुद का सब्जेक्टिव फीलिंग है. ठीक है, मेरा पर्सनल फीलिंग है. दूसरा होता है हमारा, एक होता है ऑब्जेक्टिव फीलिंग. ठीक है. ऑब्जेक्टिव फीलिंग में हमारी कौन सी फीलिंग होती है, जो दूसरा बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है. ओके. सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय अनदर पर्सन, ऑब्जर्व्ड बाय समवन एल्स. सो हम जब अपनी हम स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में होते हैं, हम हिस्ट्री टेकिंग सीखते हैं, उसमें भी हम जो अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वाला कॉलम बनाते हैं, सेम उसी में होता है. ठीक है. सब्जेक्टिव डाटा उसमें कौन सा होता है, जो हमें पेशेंट ने बोला, जैसे पेशेंट वॉज कंप्लेनिंग अबाउट स्टमक एक. सो और ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने क्या देखा, द he was making some actions to control that pain. तो हमें लगा है कि हाँ उसका pain severe है, उसका pain real है. ठीक है. so this is हमारा objective feeling. so इसमें हमारा इस question का answer क्या होगा, subjective sense of feeling Alvin is illness. ठीक है. जो हमारी illness है वो हमारी subjective feeling हो गई. next is, how many dimensions of health are there in health? तो हम सबको पता है कितनी डायमेंशन है हेल्थ की. सो देर आर 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. ओके. 5 डायमेंशंस हैं. 5 डायमेंशंस में हमारी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं? ठीक है. हमारी सबको ही पता है कौन कौन सी डायमेंशन होती है. सबसे पहला है हमारी फिजिकल, देन मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. ठीक है. स्पिरिचुअल हमारा जो लास्ट है वो न्यूली एडेड हमारी डायमेंशन है. नेक्स्ट इज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी इज. क्या क्या है, किसी भी हमारा, किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, विद इन्वॉल्वमेंट विद हिज कम्युनिटी. इन्वॉल्वमेंट मतलब एक इंसान हमारा बहुत लोगों से बातें कर रहा है, वो एक इंसान बहुत सारे लोगों से हमारा बातें कर रहा है, 1, 2, 3 अलग 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 लोगों से बातें कर रहा है. सो ये किस चीज़ में आता है हमारा, इट इज़ ऑल ऑफ यू नो, सोशल हेल्थ में आता है. फाइनेंशियल हेल्थ में तो आएगा नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ हमारा नहीं है. ठीक है. ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी नहीं है. सो द आंसर विल बी सोशल हेल्थ. ओके. नेक्स्ट इज हमारा थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज हमारा कौन सी थ्योरी में आया है, कंटेजियन थ्योरी, हेल्थ ट्रायड, पावलोव थ्योरी या मैस्लो हायरार्की.
सो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कंटेजियन थ्योरी. ठीक है, कॉजेशन ऑफ डिजीज वाला हमारा कंटेजियन थ्योरी में बताते हैं. ठीक है, हेल्थ ट्रायड में हमारे तीन फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, हेल्थ ट्रायड को हम उसके साथ मत कंफ्यूज कर जाना हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के लिए. ठीक है, हेल्थ ट्रायड में हमारा केमिकल, मेंटल और स्ट्रक्चरल ये तीन फिनोमेनाज आते हैं अलग अलग. ठीक है, केमिकल में जैसे हमारा जो भी ये दवाई वगैरह से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हमारा हो गया होम्योपैथी या हमारा नॉर्मल दवाई जो हम खा रहे हैं, दिस विल बी कमिंग अंडर केमिकल. ठीक है, और हमारा मेंटल में हमारा इमोशंस हो गया, जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो चीज़ आ जाएगा. और जो हमारा स्ट्रक्चरल चीज़ है उसमें हमारी क्या चीज़ आएगी, तीसरी चीज हमारा फिजिकल वाला कॉन्सेप्ट. ओके, सो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ. हमारा हेल्थ ट्रायड में तीन चीज है क्या क्या, मेंटल, दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल और तीसरा हमारा क्या था, केमिकल. केमिकल में हमारी मेडिसिंस एंड ऑल आ गई, मेंटल में हमारा इमोशनल स्टेटस आ गया, स्ट्रक्चर में हमारा फिजिकल वाला आ गया. ठीक है, थर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन रिलेट्स टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है, ऐसे कौन से एक्शन जो जो एक्शन हमारी डिजीज प्रोग्रेस को उसकी स्टार्टिंग एज पे ही रोक दे रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे रोक दे रहे हैं और उसके फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो हम इस वाले चीज को क्या बोलेंगे. ठीक है, तो हमें पता है हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो कितने होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं. ठीक है, मेनली जिसमें हमारी क्या क्या चीज आती है, प्रिमोर्डियल जो कि हमारा पहले होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज है. ठीक है, ये हमारा कब होगा, जब हमारा रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होगा, विदाउट एनी रिस्क फैक्टर. ठीक है, दूसरा है हमारा प्राइमरी. प्राइमरी कब होगा, जब हमारा रिस्क फैक्टर आ चुका होगा. सेकेंडरी कब होगा हमारा, सेकेंडरी तब होगा जब हमारा डिजीज हो चुकी है, उसकी हम अर्ली ट्रीटमेंट और उसको हम मतलब स्टार्टिंग हमने उसका ट्रीटमेंट और ये सब करना शुरू कर दिया. ठीक है, डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट जो अर्ली वाला होता है फेज, हमारा सेकेंडरी में आ गया. टर्चरी में क्या होता है हमारा, मेनली डिजीज हो चुकी है, कॉजेशन हो चुकी है, अब उसका रिहैबिलिटेशन वाला जो स्टेज है वो हमारा टर्चरी में आता है. ठीक है, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. प्राइमरी का एग्जाम्पल हमारा हो सकता है जैसे हम पीपीई किट पहन रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं टू प्रिवेंट आरसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19. सो दिस विल कम अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हम रिस्क फैक्टर है, कोविड-19 है. ठीक है, तो हम उससे बचने के लिए अपने आप को हम मास्क पहन रहे हैं या हम अपने जो जो प्रिवेंशन कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया. ठीक है, हाँ, अगर हमारा कोविड-19 नहीं आया होता और लोग पहले से ही ये चीज़ें कर रहे हैं कि काढ़ा पी रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ठीक है, अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता था कि कोविड-19 आने वाला है. वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना काढ़ा पीने से वो हमारा प्रिमोर्डियल में आ जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है रिस्क फैक्टर उस टाइम पे था, नहीं था, नहीं था, तो हम उस पहले से ही अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, तो हमारा वो चीज़ प्रिमोर्डियल में आ गया. प्राइमरी में हमारा पीपीई किट हो गया, हमारा जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गए, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी हेल्थ में, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएंगी. सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारी क्या चीज़ आएंगी, डिजीज हो चुकी है और उसके बाद हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से हम अपने जैसे कोई भी है उसको हम पहले ही लम्फ वगैरह अगर फॉर्मेशन हुए हैं ब्रेस्ट में, उसको चेक करके उसे अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं वेदर और नॉट देयर इज अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और नॉट है, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर लो, उसको हम टर्चरी तक जाने नहीं देते. ठीक है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और हमारा डॉट्स थेरेपी हो गया इसमें, और हमारा क्या हो सकता है, मल्टी ड्रग थेरेपी. ठीक है,
और हमारे एग्जाम्पल्स इसमें जैसे पैप्समियर वगैरह, हम बहुत सारे कैंप्स रखते हैं उसमें पैप्समियर वगैरह करते रहते हैं ना फीमेल्स के ऊपर. सो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, ठीक है. थर्ड है हमारा टर्चरी. टर्चरी प्रिवेंशन हमारा कब होता है, जब डिजीज हो चुकी है और हम उसके किस में काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन के ऊपर, ठीक है. सो रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम, उसमें हमें टर्चरी आएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो इस चीज का आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, सो इट विल बी सेकेंडरी, ठीक है. स्टार्टिंग की स्टेज में पता चल गया है हमें, और कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए हम जो काम करेंगे, जो ट्रीटमेंट देंगे, वो हमारा सेकेंडरी में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी एनाटमी और एंड एबरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट अकर्स कॉन्सिक्वेंट टू अ डिजीज इज नोन एज डिजीज इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप. सो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर विल बी इम्पेयरमेंट, ठीक है. सो अब हमारे पास ये तीन शब्द हैं, इम्पेयरमेंट है एक, दूसरा हमारा डिसेबिलिटी है, तीसरा हमारा क्या है, हैंडीकैप. सो हम एक एक करके इनको जल्दी से ब्रीफली पढ़ लेते हैं. इम्पेयरमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर या ऑर्गन में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है. प्रॉब्लम विद एनी स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर ऑर्गन, ठीक है. मतलब हमारे ऑर्गन या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कुछ डैमेज हो गया है, ठीक है. डैमेज टू एनी ऑर्गन, सेम चीज हो गया, प्रॉब्लम या डैमेज, ठीक है. ओके, ये हमारा आ गया किसमें, हमारा दिस इज विद इम्पेयरमेंट, ठीक है. डिसेबिलिटी, हमारी डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है. डिसेबिलिटी हो गया कि हमें फंक्शनल लिमिटेशंस आ चुका है उस इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है. कोई इम्पेयरमेंट हुआ, उस इम्पेयरमेंट की वजह से हमारा फंक्शनल लिमिटेशंस आ गया है, सो इट विल बी टर्म्ड एज डिसेबिलिटी, ठीक है. थर्ड इज हैंडीकैप. हैंडीकैप में क्या होगा कि उस डिसेबिलिटी वजह से, उस इम्पेयरमेंट की वजह से हमें डिसएडवांटेज हो रहा है इन लाइफ, ठीक है. सो दैट डिसएडवांटेज इन लाइफ इज टर्म्ड ड्यू टू दैट डिसेबिलिटी और ये इम्पेयरमेंट इज नोन एज हैंडीकैप. ओके, डिसएडवांटेज इन फिलिंग वेरियस रोल्स. ओके, सो ये हमारा किस में आएगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंड MLHPs वुड बी ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर. ओके, ये क्यूरेटिव है, इसको क्यूरेटिव करेक्ट कर देना, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है. सो ट्रेन MLHPs जो होते हैं उनको 2 to 3 years का ये अच्छा स्टडी, हायर एजुकेशन के बाद 2 to 3 years के लिए इनको वो दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह. उसके बाद इनको ऑथराइजेशन मिलती है किस चीज़ की, हमें ऑथराइजेशन मिल जाती है किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने की, ठीक है, कि डिटेक्ट करने का क्या डिजीज हुआ है, उस डिजीज को मैनेज करने की, ठीक है. मैनेज करने के बाद उस चीज को ट्रीट करने की, ट्रीट दैट इलनेस, ठीक है. और हमें उनको इंगेज करना प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर के लिए, ठीक है. सो इसका आंसर तो अब आप लोग गेस कर ही सकते होंगे, ठीक है. इसमें सब कुछ मैंने बता दिया, इंगेज इन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव. सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ हो रहा है. नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, मैनेजमेंट करवाना, ठीक है. मैनेजमेंट ने बता दिया है आपको, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करना. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, दैट इज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर मैन पावर, मनी, मटीरियल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक
ठीक है, तो रिसोर्स हेल्थ प्लानिंग के लिए, तो नॉट ओनली फॉर ओनली हेल्थ प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए, ठीक है, मतलब कुछ जो बड़ा चीज़ हम मास के लिए कर रहे हैं या बहुत बड़ा लोग बहुत भीड़ के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, हमें लोग भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें मटेरियल भी चाहिए, ठीक है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. किसी के घर में शादी है तो उसको अरेंज कराने के लिए पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए सजाने सजाने के लिए, वो लोग चाहिए जो ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एपेक्स हॉस्पिटल्स आर इन विच लेवल ऑफ NRHM हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, ठीक है. सो ये कौन से केयर में आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हो गए हमारे, या फिर हमारे हेल्थ कॉलेज, ये जितने भी कॉलेज भी हो गया प्लस उसमें हॉस्पिटल्स भी हो गए, जैसे GMCH वगैरह हो जाते हैं ना, वो सब किस चीज़ में आ जाते हैं, ठीक है. सो हमारे ये आएंगे टर्शियरी में, ठीक है. क्यों, एक बार देख लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें हमारे आते हैं सब सेंटर्स, ठीक है, सब सेंटर्स हो गया, या हमारे PHCs हो गए, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में. नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर, इसमें हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ये हमारे इसके अंडर आएंगे, ठीक है, और हमारा टर्चरी में तो पता ही आपको ये सब चीज़ें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज VNHD, VNHD शुड बी ऑर्गेनाइज्ड कब, ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए VNHD है क्या, तो VNHD है क्या, इट इज विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे VNHD, ठीक है. जो जो VNHD होता है वो हर वेडनेसडे को होता है, हर वेडनेसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे में होगा एक मंथ में, ठीक है, वंस वंस इन अ मंथ, वो भी वेडनेसडे में, ठीक है. और अगर किसी भी, जैसे कोई भी जगह हो गया वहां पे वो वेडनेसडे को नहीं हो पाया, ठीक है, तो किसी भी और डे चलेगा, बट श्योरली वेडनेसडे को होना ही चाहिए, ठीक है. और ये कहाँ पे होना चाहिए, एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है, AWCs में होने चाहिए, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में होने चाहिए, ठीक है. सो ये कब होने चाहिए, वंस एवरी मंथ, प्रेफरेबली इन ऑन वेडनेसडेज, ठीक है. वंस एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने में एक बार होना चाहिए, और जब भी होगा कब, तो वो होना चाहिए ऑन वेडनेसडेज, और वो भी कहाँ पे होगा, एट AWCs, ओके. तो इसका आंसर आएगा वंस इन अ मंथ, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइप BPHCs इज डिलीवरी लोड ऑफ, टाइप BPHC में हमारा डिलीवरी लोड कितना होता है, ठीक है. तो हमें अब इसके लिए पता होना चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए टाइप होती कितनी है, तो हमारी मेनली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक होती है हमारी टाइप ए, दूसरी हमारी होती है टाइप बी, ठीक है. तो टाइप ए है एक हमारा, एक हमारा टाइप बी है, ठीक है. तो जो हमारा टाइप ए है, ठीक है, टाइप ए में जो डिलीवरी लोड होता है दैट इज लेस देन 20, ठीक है, और टाइप बी में हमारा आएगा, तो टाइप बी में इसमें से क्या आंसर होगा, सो टाइप बी में आंसर होगा 20 और मोर डिलीवरीज इज पर मंथ, ठीक है, 20 से ज्यादा डिलीवरीज होंगी, ठीक है, मोर देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ, ओके. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर PHC, ठीक है. तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका पॉपुलेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए,
सो जो उसका पॉपुलेशन क्राइटेरिया है इट शुड बी, एनी गेसेस? सो इट इज आंसर नंबर ए। ठीक है, जो हमारा पीएचसी है वो दो जगह काम करता है। ठीक है, एक होता है हमारे विलेजेस में, या फिर हमारे विलेजेस भी क्या ही बोलूँ मैं इसको, वो बोल सकती हूँ हमारे हिली एरियाज हो गए या ट्राइबल एरियाज हो गए। ओके, सो लेट मी रेज दिस, इसको लिख सकती हूँ मैं हिली एरियाज। ठीक है, पहाड़ों में हो गया, या हमारे जो ट्राइबल एरियाज हो गए, या जो भी डिफिकल्ट एरियाज होते हैं विजिट करने के लिए किसी के लिए भी। ठीक है, सो उसमें जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमारी होगी 20,000। ठीक है, 20K होगी उसमें, और जो हमारी 30,000 पॉपुलेशन है। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल प्लेन एरियाज है उसमें हमारी कितनी पॉपुलेशन होगी? 30K। ठीक है, प्लेन एरियाज में। मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि इसमें अच्छे से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर देयर इन अ डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? ठीक है, सो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें हमारी हेल्थ इसके अलग अलग कितने होते हैं? सो द आंसर टू दिस इज 6। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ हेल्थ सिस्टम एट नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, जो ऑफिशियल ऑर्गन है, ठीक है, हेल्थ सिस्टम का नेशनल लेवल पे, उसमें क्या चीज़ होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, सो नेशनल लेवल पे है तो ये सारे होने ज़रूरी हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होएगा, होगा DGHS हमारा होगा। ठीक है, और जो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सेंट्रल काउंसिल है वो भी प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है, सो ऑफिशियल ऑर्गन्स इसके ये तीनों हैं। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट इज, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितने लोगों को सर्विसेज दी जाती है? ठीक है, सो इसका आंसर है 80,000 to 1,20,000। सो ये भी इसका डिवीजन भी सेम है, 80,000 जो है वो कहाँ पे है हमारा? 80,000 इन हिली या फिर ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, और जो हमारा 1,20,000 है ये हमारा इन प्लेन एरियाज। ठीक है, तो ये सेम, ये हर जगह ऐसे ही है हिली एरियाज में, क्योंकि इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड हेल्थ टू दोज पीपल, और वहाँ पे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं, या ये लोग डोर टू डोर जाके उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाते हैं। सो गवर्नमेंट इनके ऊपर बर्डन भी लेस करना चाहती है, इसीलिए ये इतना गैप्स होते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया में और ट्राइबल एरिया में। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ CHC। ठीक है, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टाफिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का, या फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, या बजटिंग। ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफिंग तो हर जगह होती है। ठीक है, बजटिंग, हम बजटिंग हम लोग नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट हमें ऊपर से देती है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नहीं ये भी हम नहीं करते हैं। सो CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या करती है? जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, लोगों को बताती है कि ये प्रोग्राम आया है, जननी सुरक्षा योजना है तो ये प्रोग्राम है, उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाएगी, उसके बारे में पोस्टर्स लगाएगी, उसके बारे में कैंप्स रखेगी, बताएगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगी ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो जागरूक हुए उस चीज़ के बारे में, और वो लोग उस चीज़ को फॉलो अप कर सकें या फायदा उठा सकें सारी स्कीम्स का। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट देयर आर प्योर एंड होलसम इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, तो ये एक पूरी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी हुई है? ठीक है, सो इसके ऑप्शंस अलग अलग हैं, WHO, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। सो ये है हमारे WHO की। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। नेक्स्ट इज ओवर क्राउडेड हाउसेज कॉजेज। ठीक है, किसी भी एक एक घर में बहुत सारा लोग हैं, ठीक है, बहुत भीड़ हो गई है, तो उस घर में क्या बीमारी होने का चांसेस है? ठीक है, तो रेस्पिरेटरी और स्किन डिजीज। ठीक है, एक छोटा सा घर है, इसमें बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे। ठीक है, अब इतने सारे लोग हो गए हैं, ठीक है,
बहुत सारे लोग हो गए, चलो इतने काफी हैं। सो इतने सारे लोग हो गए हैं तो ये आपस में रहेंगे, तो देर इज इन इन सारी चीज़ों में से कंजेनाइटल डिजीजेस का तो चलो हम नहीं बोल सकते, वो तो जीन्स के ऊपर है, बचपन से जो भी डिजीज आ गया किसी के ऊपर बाय बर्थ तो वो अलग चीज़ आ गया, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये भी हम नहीं बोल सकते, अब ऐसा तो नहीं है जो इसका कुक है वो जान के सबको खिला रहा है और इनको ऑयली ऑयली खिला रहा है तो उसकी वजह से इनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी, नो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज भी नहीं, तो इनको क्या होने का चांसेस है, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये होने का चांसेस है क्राउडेड उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड सोर्स ऑफ कंटामिनेंट, ठीक है, एक कुआं और एक कंटामिनेंट, कोई से भी एक कंटामिनेंट है गंदा, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए नॉर्मल सॉइल्स में, ठीक है। सो इनके बीच में होना चाहिए कितना डिस्टेंस, इट शुड बी नेवर लेस देन 15 मीटर्स, ठीक है, 15 मीटर्स तो होना ही होना चाहिए, इट शुड बी नेवर लेस देन 15 मीटर्स, ठीक है, 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा, इसके बराबर भी चलेगा बट कम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है बुक में जो दिया हुआ है, तो बुक में बोला हुआ है और 30 to 50 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो रिकमेंडेड है, ठीक है, 30 to 50 मीटर्स, ठीक है, ये रिकमेंडेड है और इतने से तो कम होना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, गंदगी है, ये हमारा वेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स स्पेशली मॉस्किटोज दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर आर, ठीक है, जो इंसेक्ट्स या जो वेक्टर्स हैं जैसे मस्किटो, ठीक है, जो कि वाटर के पास ही है, ठीक है, और वो किसी भी डिजीज को कॉज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द अबव, तो उसे क्या बोलेंगे, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर बोन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडिस मेथड ऑफ डिस इन्फेक्शन इज डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, केमिकल ट्रीटमेंट है, सन एनर्जी से ट्रीटमेंट है, रेडिएशन से ट्रीटमेंट है, या नन ऑफ द अबव इज सोडिस, ठीक है, तो सोडिस है क्या एक्चुअली, इट इज सोलर वाटर डिस इन्फेक्शन, ठीक है, सोलर वाटर डिस इन्फेक्शन, ठीक है, हमारा सोलर वाटर डिस इन्फेक्शन है। सो इसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सोलर आ ही गया है तो सोलर हम सबको पता है, सोलर मतलब क्या होता है, सोलर इज सन, ठीक है, तो जो हमारा सन है, ठीक है, देखो प्यारा सन, थोड़ा वेव्स गंदा हो गया है, ठीक है, हमारा सन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थोटोलिन आर्सेनाइड टेस्ट ओ टी ए इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, ये ओ टी ए टेस्ट हम क्या बताता है, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, पीएच ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर या ऑल ऑफ द अबव, क्या बताता है, तो जो ओ टी ए टेस्ट है वो हमारा बताता है कि कितना क्लोरीन प्रेजेंट है किसी भी पानी में, किसी भी पानी में क्लोरीन का रेजिडुअल फ्री अवेलेबल हो गया या फिर उसका कंबाइंड फॉर्म है क्लोरीनेशन करने के बाद उसमें कितना बच गया है वो हमें बताता है ओ टी ए टेस्ट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज लेवल रिजल्टिंग इन फ्लड, सी लेवल को इंक्रीज कर देगा या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है एक मेजर कॉज है आजकल, तो आप सभी इसको सोच रहे होंगे आजकल अभी ठंड भी कम पड़ रही है, सो इट इज़ ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग ओनली, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करेगा तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो ड्राइनेस होगी, ठीक है, सो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में भी काम खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं आएगी, ठंडा नहीं पड़ेगा, अच्छे से वो नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगी, देन सी लेवल का इंक्रीज कर जाएगा, सी लेवल में पानी इंक्रीज कर जाएगा, कैसे, जो हमारा ग्लेशियर्स होगा वो पिघल पिघल के हमारा सी लेवल को इंक्रीज कर देगा, उसकी वजह से हमारा फ्लड्स हो जाएगा, सो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है। सो अभी ये एक वीडियो है,
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अभी थोड़ी देर बाद बना के अपलोड कर दूंगी. ओके, सो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका थोड़ा सा मैंने बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. ओके.